अच्छा क्लास, हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं ज़रा। थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट से चले बता देता हूँ कि हमने जो किया है। सबसे पहले हमने दिए इसको टाइटल, टाइटल दिया है कि आईटी स्किल्स। अब इसका मैंने आपसे फॉन्ट सेट किया था, इसके फॉन्ट का साइज सेट किया था, उसके बाद मैं इसको मिडल में लेके गया हूँ और बोल्ड किया था। उसके बाद ये था, काइंडली इसको मैं कंट्रोल जी करके बताता हूँ कि हमने किस तरह किया है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये आईटी स्किल्स लिखा था इसके अंदर। अब इसके आपने सेटिंग कैसे करनी है, आपने इसके ऊपर, ये सबसे पहला आपका टाइटल पेज है, तो टाइटल पेज को आपने सेट करने के लिए सबसे पहले टाइटल पेज के अंदर आ जाता है आईटी स्किल्स। तो इसके अंदर आप इसके ऊपर जाएं और इसको सबसे पहले करें बोल्ड। बोल्ड के बाद आप इसको करें टाइम्स न्यू रोमन, जो स्टैंडर्ड साइज चलता है टेक्स्ट का, वो लिखें टाइम्स न्यू रोमन। और उसके बाद अगर कुछ और करना चाहते हैं, इन शॉर्ट के आप अगर इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं या इटैलिक करना चाहते हैं, तो वो अब ये अंडरलाइन हो गया है, लेकिन अब अगर इसको आप इटैलिक भी करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं इस तरह। ठीक हो गया, ये आपकी मर्जी है, जिस तरह आप चाहें। चलिए इटैलिक सही लग रहा है, इसको जो अंडरलाइन है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो अब आ जाएं ज़रा इस सेटिंग पर। सेटिंग हम करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे करके, आईटी स्किल्स। अब इसको हम उठा कर ऊपर ले जाते हैं इस जगह पे, और इसको भी कम कर दें साइज में। अब ये तकरीबन हेडिंग लग रही है आईटी स्किल्स ऊपर मेन पे जाके। अगर इसको थोड़ा सा आपने साइज को और बढ़ाना है तो ये आप क्लिक करते जाएं, ये बढ़ता जाएगा। ये तकरीबन अब सही है इसका साइज आईटी स्किल्स। अच्छा, ये इसके बाद आप जो सब टाइटल देते हैं किसी भी स्लाइड पे, ये मेन टाइटल स्लाइड है। इसके अंदर आपका एक टाइटल होगा, उसके बाद नीचे सब टाइटल होगा। तो सब टाइटल में आप लिख दें कि मोहम्मद मोहम्मद उसामा हाफिज। अच्छा, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्लिक करके बोल्ड करते हैं, और कलर भी, इसका भी कलर हम कर देते हैं वाइट, ये वाइट हो गया। और इसको भी टाइम्स न्यू रोमन में ही कर देते हैं। अब इसका साइज सही है, सॉरी। अब ये जो इसके नीचे अंडरलाइन पे रेड कलर की लाइन आ रही है, ये है कि मोहम्मद उसामा हाफिज जो लेटर्स हैं, ये मैं आपको पहले बताया कि नाम वगैरह या मोहम्मद उसामा हाफिज जो फादर नेम है, ये इनके अंदर आ जाता होता है काफ़ी नेम्स वगैरह में इस तरह का। तो आप इसको सिंपल क्लिक करके इग्नोर ऑल कर दें, एक इग्नोर हो जाएगा या और फिर ये दूसरा इग्नोर ऑल। ठीक है, तो आप जब इसको आपने इग्नोर कर दिया, उसके बाद आप इसकी भी सेटिंग करें कि आप इसको उठा के इसका साइज इतना कर दें जितना नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद आप इसको यहाँ से उठाकर आप इधर ले आए। ठीक है, मोहम्मद उसामा हाफिज, ये एक स्लाइड आपकी जो सिंपल ये रेडी होगी। अब उसके ऊपर आ जाए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे लेआउट आता है कि टाइटल एंड कंटेंट। ये हम टाइटल एंड कंटेंट को क्लिक करके, ये ऊपर आ जाएगा हमारा टाइटल, इसके बाद आ जाएगा कंटेंट। ये मैंने पहले भी आपको रिवाइज करके बताया था, लेकिन यह कि अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट और थोड़ा सा जल्दी करूंगा। अच्छा, अब इसके अंदर आप जाएंगे, कोई भी चीज़ उठा लें यहाँ से। टेक्स्ट उठाना है, आप किसी भी तरह का उठा सकते हैं टेक्स्ट। अच्छा जी, अब इसका जो हम टाइटल है ये दे देते हैं इसको, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब ये देखें, अब इसका साइज लाइन से बाहर जा रहा है, तो इस वजह से आप इसको सबसे पहले क्लिक करें और इसका साइज कम करें। अब ये देखें, आप इधर इसका तकरीबन साइज एग्जैक्ट आ रहा है, तो अब इसको आप बोल्ड कर दें यहाँ से हेडिंग को। जब बोल्ड किया तो आपको ये इधर नजर आ रही होगी। उसके बाद ये क्या, आप इसको इधर ही रहने दें और इसको उठा के इसकी सेटिंग कर दें कि आप इधर मिडल में ले आए हैं इस हेडिंग को, तो ये आपको शो हो रहा है। क्लास, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली कोई बच्चा बता दे जरा। हो रही है, जरूर हो रही है। ठीक हो गया, तो आपको समझ भी लग रही है जो समझा रहा यस सर। हूँ। ये बेटा प्रैक्टिकल वर्क है, ये आप घर में लैपटॉप और कंप्यूटर हर किसी के पास है, तो आप काइंडली इसको कर लिया करें, क्योंकि एंड पे जाके भी जब आपको इस चीज़ का यूज होगा, ये बेशक 10 साल बाद 20 साल बाद भी प्रेजेंटेशन बनानी है आपने, या एक्सेल वर्ड पे कोई लेटर टाइप करना है, कुछ भी चीज़ें करनी है, तो ये आपको काइंडली करना पड़ेगा। तो आप साथ साथ ये कि रोज अगर घर प्रैक्टिस करते जाएं तो बेहतर आपके लिए। बाकी ये है कि चलें, जब आपकी फिजिकल क्लासेस होंगी तब भी इसकी एक दो सेशन रख लेंगे, ताकि क्लास में बच्चों को थोड़ा बहुत इसके बारे में हाउ नो का पता हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके टेक्स्ट पे। अब टेक्स्ट इसका आप किसी भी तरह का रख लें ज़रा।
अच्छा यार, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि पैराग्राफ में किसी भी चीज़ का जो प्रेजेंटेशन में लिखना है ये बुरा समझा जाता है, इसको बुलेट्स में लिखते हैं, पॉइंट्स में, ताकि चीज़ को शॉर्ट करके लिखा जाए। अच्छा अब इसके ऊपर आप जाएं, इसको एक बुलेट, ये दो पॉइंट्स बन गए, इसके बाद आप जाकर इसके, चलें ये तीन पॉइंट्स हम इसके बना लेते हैं, ठीक है। और ये जब हम तीन पॉइंट्स बना लेंगे, अब इन पॉइंट्स को किस तरह सेट करना है। अच्छा उस दिन ये सिंपल पॉइंट्स में भी अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, जिस तरह ये है कि डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, तो ये आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा मसलन हाईलाइट होता है कि जो भी बंदा देखे तो उसको पता चले कि अच्छा आपने ये एल्गोरिदम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसको सिंपल ये है कि क्लिक कर दें और डीप लर्निंग एल्गोरिदम को बोल्ड कर दें, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा आपको देखा होगा कि थोड़ा सी आपको अट्रैक्शन आपकी ज़्यादा ले रहा है कि डीप लर्निंग एल्गोरिदम, आप इसके अंदर डीप लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद ये है कि इस स्लाइड के ऊपर आप और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं पावर पॉइंट में जो इसको अच्छा बनाती हैं, बाकी मसलन MS वर्ड या बाकी चीज़ों की नस्बत। ये बच्चे दरअसल आ रहे हैं बार बार क्लास में, तो एक मिनट मैं ज़रा आपकी क्लास के अटेंडेंस ले लूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। अच्छा क्लास, अब इसके बाद हम सबसे पहले जाते हैं ऊपर वाली आईटी स्किल, आईटी जो स्किल्स है स्लाइड इसके ऊपर। अब इसके ऊपर एक होती है, इसके अंदर टूल है एनिमेशन का। अब आप जाते हैं इसके अंदर एनिमेशन, एनिमेशन में क्या क्या आपका अपीयरेंस है, इस चीज़ का अपीयरेंस होगा फेड करके, बल्कि फ्लाइन, ये आप शो हो रहा है आपको किस तरह ये फ्लाइन लगाया मैंने इसके अंदर। क्लास हो तो नहीं जाती एक दो बात के बाद या एक दो हेलो, कोई बच्चा बोल के बता दे मुझे ज़रा। आईटी स्किल्स के ऊपर मैंने ये इसकी एक मसलन फॉर्मल लगाया है एनिमेशन के अंदर, तो चलिए ये फ्लाइन लगा दिया। अब उसके बाद लगा देते हैं फ्लोट इन का इसके अंदर, ये अब दो इसके अंदर हमने लगा दी, आपको शो भी हो रहे हैं कि इधर एक की वर्किंग हो रही है, इधर दूसरी एनिमेशन की वर्किंग हो रही है। अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, अब इसके अंदर हम लगा रहे हैं सर्वे ऑन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इमेजिंग। अब इसके अंदर लगाते हैं हम इसके अंदर स्लाइड जो है ये वाली व्हील, व्हील के नाम से, व्हील के। अब जो इसका नेक्स्ट बुलेट है वो मेन हेडिंग थे, अब ये बुलेट आ गए हैं। बुलेट के अंदर ये है कि अब और भी इसके अंदर एनिमेशन हैं, अब जिस तरह के आप इसको प्लस कर सकते हैं ये देखें ज़रा। अब इसके ऊपर ये आ गई, अब जो सेकंड वाला बुलेट है या सेकंड वाला पॉइंट है, अब इसके ऊपर आप लगा सकते हैं इसका स्पिन लगा दें कि ये घूम के आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब ये इसके अंदर स्पिन लग गया है, और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं आपकी मर्जी से, आपको जो इसके अंदर मसलन एनिमेशन अच्छी लगेगी आप उसी एनिमेशन के अपने हिसाब से जिस तरह आपका दिल करे उस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ इसके अंदर डार्क, ये थोड़ा सा मीडियम कलर होके इसका, और फिर उसके बाद ब्राइट हो रहा है कलर, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसकी वर्किंग अब आप देखेंगे पावर पॉइंट की, कि अब जब हम इसके ऊपर जाते हैं, इसका स्लाइड शो, ये नीचे आपको थोड़ा सा मॉनिटर सा नजर आ रहा होगा जहाँ से इसको थोड़ा सा जूम भी करते हैं और जूम इन और जूम आउट करते हैं, ये हमने इसकी सेटिंग 100% पे कर दी है। और जब इसके अंदर हम स्लाइड शो करेंगे, तो आपको सबसे पहले जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आईटी स्किल्स ये एक हेडिंग आ जाएगी इसके अंदर, तो आप इसके बारे में बता सकते कि हाँ मैं आईटी स्किल्स का लेक्चरर हूँ, तो मैं आपको आईटी स्किल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन या कुछ भी पॉइंट्स वगैरह आपके माइंड में होंगे तो आप इसको बता सकते हैं बच्चों को, किसी भी आप जहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि डिलीवर्ड बाय, सॉरी इधर लिखना था हमने डिलीवर्ड बाय मोहम्मद उसामा हाफिज, तो इसको चले बाद में करते हैं, लेकिन अब आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहले सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा आईटी स्किल्स, और फिर आ जाते इधर आता है डिलीवर्ड बाय मोहम्मद उसामा हाफिज। अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये आ जाएगी आपकी सर्वे ऑन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट, जब जिस तरह की आप प्रेजेंटेशन में बैठे हैं 10-12 लोग और वो बैठे हैं थोड़ा सा दूर, तो उनको फिर ये पॉइंट जिसके ऊपर हमने क्लिक किया या जिसके ऊपर जो जो सी एनिमेशन लगाई होगी उसी तरह उनको पता चलता जाएगा, जिस तरह जो हेडिंग थी ये आगे थी, अ सर्वे ऑन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग।
अब उसके बाद जब आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो आपके पास लेजर होगा या फिर आप लैपटॉप से उसको हैंडल कर सकते हैं। आप जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग पॉइंट, थोड़ा सा एनिमेशन इसके अंदर लगी हुई है तो वो एनिमेशन शो होगी। अब जब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाएंगे ये फिर पॉइंट पे मतलब स्क्रोल स्पिन होके आ रहा है तो ये दूसरे को पता चल जाएगा हाँ ये इस पॉइंट पे है। और थर्ड वन आ जाता है मशीन एंड डीप लर्निंग, इसके अंदर इसका कलर डिम हुआ है फिर ब्राइट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी प्रेजेंटेशन है जो देते हैं हम पावर पॉइंट को जिस तरह से यूज करते हैं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल वर्क के लिए। अच्छा अब इसके अंदर अब हम जाके जरा एक अपनी छोटी सी गलती को सेट कर लें। अब इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इतना। अच्छा अब इधर आ रहा है आपको शो नजर हो रहा होगा कि डिलीवर्ड बाय मोहम्मद उसामा हफीज। ठीक है अब आप अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो टैब दबा देंगे तो ये मोहम्मद उसामा हफीज इधर आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे ताकि पता चल जाए डिलीवर्ड बाय, फिर नेक्स्ट आ जाता है मोहम्मद उसामा हफीज। चलिए अब इसकी फंक्शनैलिटी हम चेक करते हैं कि अब किस तरह आ रहा है आपका। सबसे पहले आ जाएगा आईटी स्किल्स, फिर मोहम्मद उसामा हाफिज, फिर आ रहा डिलीवर्ड बाय। अब इसको हम सेट करेंगे क्योंकि ये देखें कंट्रोल जी, ये इधर 2 लिखा आ रहा है और इधर 3, कि पहले फंक्शनैलिटी 2 की होगी फिर 3 की होगी। तो आप इसको चेंज कर ले सिंपल। तो चेंज करने के लिए ये है कि आप 1 ये है, इसके बाद आप जाते हैं 2 पे डिलीवर्ड बाय, तो इसके अंदर एनिमेशन लगा लें आप शेप की। ठीक हो गया। अब 2, अब 3 वो है। अब इसके बाद जब हम इसके ऊपर जाके लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लॉट इनके हिसाब से। अब ये कि 2 ऊपर वाली हो जाएगी, नहीं, सॉरी एक मिनट, क्लास इसको दोबारा हम चला के देखते हैं। आईटी स्किल्स मोहम्मद उसामा फीस एंड डिलीवर्ड बाय, अब हमें चेंज करना पड़ेगा दोबारा। इसको आप कर दे रिमूव। अब ये आ जाएगा 2। अब आप लिखें इसके अंदर मोहम्मद उसामा हफीज। अच्छा अब इसके अंदर अब लिखा आ रहा है, अब ये देखिए 1, 2 एंड 3। ये जिस तरह है कि आप सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, आप उसके अंदर लगा लेते हैं एनिमेशन, फिर सेकंड डिलीवर्ड बाय इसके ऊपर, फिर मोहम्मद उसामा हफीज नेम के ऊपर। अब हम जब इसकी फंक्शनैलिटी चेक करेंगे तो ये अभी आ जाता है आईटी स्किल्स डिलीवर्ड बाय मोहम्मद उसामा हाफिज। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, अ सर्वे ऑन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अब इसी तरह आपने जितनी स्लाइड्स बनानी है, 20 हो, 30 हो या 50 स्लाइड्स हो, जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपकी ये फंक्शनैलिटी होती जाएगी। तो बाकी ये है कि मुख्तलिफ टाइप्स के आप एनिमेशन लगा के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं पावर पॉइंट को, जिस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। तो चलें ठीक है, बाकी क्लास आज का टाइम आज यही आपको बताना था पावर पॉइंट के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको एमएस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा करवा के फिर हम एक्सेल के ऊपर मूव हो जाएंगे। तो चलें ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।